जो भी भाई पहले आता है, बहुत सारे भाइयों का मैसेज कमेंट ये भी था कि भाई क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, तो मैंने जो अपना रीज़न था ना वो आपको बता दिया। कैसी देख रही है? ओई चल बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ मस्त धूप निकली है यार आज। फॉर्चुनर इसको भी चलाना है क्योंकि इसको बहुत दिन से स्टार्ट भी नहीं किया है। हाँ BMW ऐसे ही खड़ी है, गाड़ी में पहले बैठते हैं फिर बात करते हैं। सो जी कल था होली और कल मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। RPM इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि रीजनरेशन चल रहा है। घर से बाहर निकला ही नहीं यार, मतलब आई डेंट गेट आउट, मतलब मैं इनफैक्ट बेडरूम से भी बाहर नहीं निकला। घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, बेडरूम से भी बाहर नहीं निकला। स्कूबी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लिटरली रात तक उसके साथ ही ना ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए थे मैं और स्वाति, क्योंकि सांस नहीं ले पा रही थी। अब क्या है ना, डॉक्टर ने भी बोल दिया यार कि अब ना ऑपरेट नहीं कर सकते, एंड जो कैंसर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो ऑर्गन्स तक आ रहा है। एक बार गेट बंद करो। तो फिर डॉक्टर ने भी थोड़ा हाथ ही खड़े कर दिए कि यार अब दो बार ऑपरेट हो चुकी है ना, अभी जो कैंसर है वो पूरा बैक पोर्शन में तो स्प्रेड कर ही गया है, एंड अब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ना ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रहा है, तो जो है अच्छे से ख्याल ही रख सकते हैं उसका। और अब उसका ऑपरेशन वगैरह, दो बार ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं तो अब ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हो सकता है, तो इसी चीज़ों को लेके कर पूरे टाइम घर पे रहा है। अदरवाइज़ तो क्या यार, होली तो मेरे लिए हॉलीडे ही हुआ, एंड इनफैक्ट हम कोई भी नहीं यार, पापा मम्मी मैं कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, स्वाति भी घर पे ही थे, सब लोग घर पे ही थे। तो वही अभी स्कूबी से अभी तो ठीक है, अभी कल तो सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दिल मत करना, इससे बहुत इमोशन से बिल्कुल है यार, मेरे उससे ज़्यादा है, मतलब जिस हिसाब से मेरे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और जिस हिसाब से मैंने इस गाड़ी को फिर पूरी तरीके से रेडी किया और इससे इतने ट्रिप्स मारे, इतने ट्रिप्स आज भी, मतलब मेरे को अलग ही ऑर्गेजमिक फीलिंग आती है यार इस पे बैठ के, इसको चला के। बट अभी देखो क्या है ना कि LC आने के बाद ना यार, ये गाड़ी मैंने सिर्फ इसलिए निकाली उस दिन ऑफिस से बिकॉज मैंने वाइट गाड़ी घर पे नहीं रखनी थी, होली का टाइम था यार, कोई भी कलर वलर उड़ाता है आगे ऊपर नीचे, सब लोग होली खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, बाकी तो सब लोग खेल ही रहे थे, तो इसलिए वैसे तो PPF है लेकिन फिर भी कलर लगेगा, फिर ये लगेगा, इसलिए मैंने उसको ना शटर के अंदर अपने ऑफिस में रखा एकदम छुपा के, ठीक है। और BMW के साथ भी सेम है यार, एक साल हो गए अभी उसका सर्विसिंग ड्यू है, एंड एक साल में सिर्फ 9000 किलोमीटर चली है, तो यार प्राइमरली जो गाड़ी अभी चलने वाली है या जिससे रोड ट्रिप्स होने वाले हैं वो है लैंड क्रूज़र से, और ऑफ रोडिंग, मतलब ऐसा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो कहीं होता नहीं है यार अब, अंटे अनलेस कि मैं कहीं ऐसे जगह पे घुसा दूँ कि जहाँ पे भाई एकदम ही गले गले तक पत्थर हो, तो वो तो गाड़ी तोड़ने वाली बात हो जाएगी, वो मैं वैसे भी नहीं करता यार, मतलब किसी भी गाड़ी के साथ, थार के साथ नहीं करता था यार, थार के साथ भी मैं उतना ही करता था जितना कि करना चाहिए, जितना कि परमिशेबल हो, ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी घुसा दी एकदम कहीं भी जहन्नुम में घुसा दी गाड़ी का एकदम सत्यानाश कर दिया, वो सब सारी चीज़ें नहीं करता भाई, गाड़ी ज़बरदस्ती, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं भाई गाड़ी में ऐसा ये करते हैं वो करते हैं, कीचड़ में ट्रैक्टर से निकालना ये वो सारे चीज़ें भाई मेरे उसमें नहीं है कि मैं वो करूँ, मेरे को गाड़ियों से प्यार है। कोई भी नहीं आए क्या अभी तक? सब लोग लेट आएंगे, ये देखो सामने, ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है मस्त। हाँ इसके अंदर ना शटर के अंदर रख के गया था मैं एकदम मस्त धुलवा के। चलो गार्ड भैया आए, ऊपर चलते हैं, जो अपना काम है वो करते हैं। आज बहुत कम लोग आए यार, होली दिवाली के बाद वाले दिन ना ऑफिस में बहुत कम लोग आए थे। गुड मॉर्निंग। ऑफिस आने के बाद ना सीरियसली यार पूरा दिन, मतलब सोचने तक का टाइम नहीं मिलता, लेकिन बीच में मैंने कुछ टाइम निकाल के सोच लिया और सोचा ये कि यार अगर कोई अपने को सही बायर मिलता है जो गाड़ी की इज्जत करे जैसे मैंने की, तो भाई अपन फॉर्च्यूनर ना दे देंगे, मतलब फॉर्च्यूनर विदाउट नंबर,
बिकॉज वो नंबर EU और नंबर जो है ना वो मैं रिटेन करूँगा एंड वो शायद आगे BMW पे ट्रांसफ़र करूँ। तो मिला जुला के अभी यही प्लान कर रहे हैं कि फॉर्चुनर को निकाल देना ही सही है। बिकॉज देखो अभी क्या है ना कि बहुत लोग बोलेंगे यार फॉर्चुनर मत निकालो, फॉर्चुनर से इमोशन से मेरे भी उतने ही ज़्यादा हैं, बट मैं जानता हूँ ना यार जैसे थार के साथ हुआ ना कि फॉर्चुनर आने के बाद इतनी कंफर्टेबल, इतनी अमेजिंग हाईवेज पे ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ और हर एक चीज़, थार कहीं ना खड़ी रहने लगी। और ग्रेजुअली जब गाड़ी खड़ी रहती है ना तो वो ज़्यादा ख़राब होती है रादर दैन जब गाड़ी चल रही है एंड कंटिन्यूस मोशन में। तो मिला जुला के फॉर्चुनर को निकालना ही एक सही डिसीजन है। प्लस अभी अपन एक और चीज़ प्लान कर रहे हैं, प्लान ये कर रहे हैं कि अपन एक ना लैंड क्रूज़र से एक ऐसा ट्रिप करें ना जो हम फॉर्चुनर के साथ पहले प्लान कर रहे थे, एंड ये ट्रिप काफ़ी लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट मे बी 90-120 डेज़ का, और डेफिनेटली 120 दिन का ट्रिप होगा। तो इंडिया में नहीं होगा, इंडिया से कहीं बाहर कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के रोड्स पे अपनी 3003 लैंड क्रूज़र को लेके हम जाने का प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए ना अपने को ना बहुत सारे फंड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये ट्रिप काफ़ी एक्सपेंसिव होगा मेरे लिए। अभी गाड़ी लेने के बाद इमिडिएटली अगर ये ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे ब्रांड्स का सपोर्ट और उनका हेल्प चाहिए होगा। बहुत टाइम से ये चीज़ प्लान था, इनफैक्ट बहुत समय पहले ना, अगर मेरे को पहले से आप फॉलो करते हो ना तो ये चीज़ पता होगा कि आई वॉन्टेड टू डू ए रोड ट्रिप इंटरनेशनल, जो कि मेरा एक जैसे ये गाड़ी ड्रीम कार थी ना वैसे ही वो मेरा ड्रीम ट्रिप था कि आई वुड बी टेकिंग माई लैंड क्रूज़र इंटरनेशनली। और उसके लिए अभी कुछ बातें चल रही हैं, इनफैक्ट बातें अभी कुछ टाइम से ही चल रही हैं, जब मेरा ये मुंबई वाला ट्रिप था ना उसके पहले से ये बातें स्टार्ट हो गई थी। तो मिला जुला के अभी यही अपडेट है कि यार उस ट्रिप का भी प्लानिंग चल रहा है एंड फॉर्चुनर मोस्ट लाइकली मैं सेल कर दूंगा यार, मोस्ट लाइकली क्या मैं सेल कर दूंगा। मेरी गाड़ी 63,400-65,500 जो भी चली है, सर्विसिंग अभी मैंने कराई थी, एंड नंबर वंबर नहीं दूंगा यार, मुझे पता है नंबर देने से ना बहुत अनवांटेड कॉल्स आते हैं, जो नहीं भी लेना है ना तो वो भी परेशान करते हैं यार फ़ोन करके। तो जिसको भी गाड़ी देखनी होगी गाड़ी मैं यहीं पे छोड़ दूंगा बिकॉज़ मैं अभी वो चलाऊंगा नहीं। एंड एक बार करोल बाग ले जाना है क्योंकि उसका ना जो स्पीकर है ना JL ऑडियो वाला, उसका एक स्पीकर का शायद तार निकला हुआ है तो वो सही कराना है। बाकी अभी मैंने बहुत पैसे लगाए थे गाड़ी में, गाड़ी को पूरा जो मैट लुक दिया था पूरा पेंट वेंट सारा चीज़ PPF वगैरह सारी चीज़ें नहीं कराई थी, तो लगा तो नहीं था कि इतने जल्दी सेल कर दूंगा क्योंकि फिर मतलब नहीं बनता ना 3-4 लाख रुपए लगा के फिर आप इमिडिएटली गाड़ी सेल कर रहे हो। एंड जून तक इसका इंश्योरेंस है तो जो भी इंटरेस्टेड है भाई वो आके यहाँ पे देख सकता है। ऑलमोस्ट 7 बज गए और हमारे फेवरेट अनूप भाई के मास्टर जी आए हुए हैं भाई, तगड़ा तगड़ा सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा मास्टर जी के चैनल पे आपको दिखेगा। एक कुछ बहुत टाइम से हमारा प्लान था, छह महीने तो स्टार्ट किए हुए नहीं बोल तो लूं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये झूठ बोल रहा था, तो ऐसा 6 महीने से प्लान था हमारा कुछ ऐसा करने का, तो वो हम आज प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों के जवाब जो मास्टर जी देंगे। मैं तो कुछ बोल ना पाऊंगा यार, मैं बोल ना पाऊंगा। और भाई अभी मैं बताऊं, एक चीज मैं बता देता हूं भाई, जैसे ना अभी कुछ दिन तक मैं ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट पहन के घूम रहा था, देखो होगा आपने तो कई कह रहे हैं कि भाई यार ये ना वैसे ही पहन के घूम रहा। मैं बता दूं भाई मैं लॉयर भी हूं। हां एग्जैक्टली, और रियली अगर तुम कहोगे तो भाई मैं अपने सर्टिफिकेट लाके दे देंगे वो आई कार्ड, लेकिन सबको प्रूफ क्यों ही करना। हां प्रूफ, लेकिन भाई ऐसे तो मत बोलो यार, मैं मतलब पढ़ा लिखा बंदा हूं यार। क्या भाई हो तुम्हारा यार, हवाबाजी नहीं कर रहे भाई, सच्ची में लॉयर है। आप मेरे से प्यार करो भाई, वो मत करो तुम नफरत, ना नफरत तो ना करते, शक मत करो। ये रही जी अनूप भाई की गाड़ी फॉर्चुनर। हाँ हमारे ग्रुप में कितनी सारी फॉर्चुनर है, और ये अपनी मैंने तो अपनी फॉर्चुनर अंदर लगा दी आज, इसको लेके निकलेंगे मतलब इसको लेके घर जाएंगे। बाकी वो चला के देख रहे हैं कि भाई कैसी चल रही है यहीं पे, मज़ेदार भाई। मैं होली में ना इसको निकाला नहीं जानबूझ के, क्योंकि यार पता है क्या, कलर वलर गिरता ना तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता है गाड़ियों से, तो मैंने कहा भाई इसको अंदर रखते हैं गराज के, ठीक है। ये बड़ा स्पेस हमने इसके लिए तो लिया है ताकि गाड़ी अंदर सेफ रहे हमारी। इसको अपने तक ही रखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखा, देखा मजा आया, वीडियो खत्म। उसको पर्सनल मत लेके जाओ, अगर उसको पर्सनल लेके जाओगे तो आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट। भाई फिलहाल बज रहे हैं 10:18,
और अभी पॉडकास्ट कंप्लीट हो गया, अज्जू भाई का ही पॉडकास्ट था और अभी यहाँ से अपन निकलेंगे। ये सही है भाई, बटन वटन दबाने की जरूरत, बटन है ही नहीं एक्चुअली। जो भी भाई पहले आता है, बहुत सारे भाइयों का मैसेज कमेंट ये भी था कि भाई क्यों बेच रहे हो क्यों बेच रहे हो, तो मैंने जो अपना रीज़न था ना वो आपको बता दिया ऑलरेडी कि वाई एम सेलिंग एंड उसका रीज़न आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में आ गया होगा। और वो बहुत ही जेन्युइन रीज़न है यार, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। एंड ओनली रीज़न वाई एम सेलिंग इज़ बिकॉज अब जो भी अपने प्राइमरली ट्रिप्स होंगे वो लैंड क्रूज़र के साथ होंगे, जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स होंगे, और इंटरनेशनल ट्रिप का भी एक बहुत तगड़ा प्लान है जो ट्रिप होने वाला है काफ़ी लंबा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और यही गाड़ी लेके जाएंगे हम, ठीक है। ड्रीम ट्रिप विद ड्रीम कार, और जिस भी भाई को फॉर्चुनर देखनी है वो यहाँ पे आ सकता है। अगर आपको, आपने तो वैसे गाड़ी मेरी देखी है बट फिर भी मैं बता दूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए का काम मैंने गाड़ी पे कराया हुआ है, इसमें पूरा कार्बन फाइबर और हर एक चीज़, मैं पीछे भी देख रहा हूँ ना, इस गाड़ी को आराम से प्यार से निकालना है, तो 10 से 12 लाख रुपए का काम कराया हुआ है। और मतलब मैं कभी सोचा ये सोच के काम, किसी भी गाड़ी में अपने ये सोच के काम नहीं कराता कि भाई क्यों कराऊँ, मेरे को तो सेल कर देनी है। अपनी गाड़ी समझ के रखिए और आगे भी जब तक मेरे पास रहेगी तब तक मेरी ही गाड़ी रहेगी। अभी उसका एक स्पीकर नहीं बच रहा है तो वो भी मैं टाइम लगा के सही करवाऊँगा। ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी जब देंगे जिस हिसाब से जिस प्यार से रखा है उसी प्यार से जिसको भी देना होगा उसको देंगे, और जिसका भी पहले टोकन अमाउंट आ जाता है तो भाई गाड़ी उसको दे देंगे। भाई डिफेंडर LC बट फॉर्चुनर है भाई, हाँ करके दिखा दी भाई। नहीं नहीं, अरे देखो क्या तगड़ी लग रही है। हाँ बोलो ना, बोलो ना। LC और डिफेंडर, आप भी फॉर्चुनर से LC पे आए, हाँ मैं भी फॉर्चुनर से डिफेंडर पे आए भाई। वो गाड़ी और पैसा उसका मतलब फॉर्चुनर का मतलब, हाँ, और फॉर्चुनर जैसा प्यार रुतबा भाई, कितनी लोगों की ड्रीम कार है यार, मतलब लोगों की ड्रीम कार ना LC डिफेंडर बहुत कम होगी, फॉर्चुनर। हाँ फॉर्चुनर से जो इमोशन है ना यार, फॉर्चुनर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एंडेवर थार, ये कल्ट गाड़ियां हैं। ये होता है कि लोग अब वो ये ना कि ये तो चलो है भाई, ये वो तो है रहेगी, थी है रहेगी। कौन सी? फॉर्चुनर प्यार भाई, फॉर्चुनर। मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्चुनर से विकास भाई पे LC आई, फॉर्चुनर से मेरे पास डिफेंडर आई, तो फॉर्चुनर से ही हवाई जहाज भी तो बुक किया है। जो छोड़ रखी है या, अरे सुनो तो, हवाई जहाज भी तो आपने किया है बुक। हाँ कौन सा? हाँ हेलीकॉप्टर ले ले वो, कह रहे फरीदाबाद। सुनो फरीदाबाद से ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता है, रोस्ट नहीं कर, आपको लगता है अनुप भाई मैं आपको रोस्ट करूंगा, ऐसा मेरी इतनी जरूरत। हाँ चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर, एंड सब लोग अपने अपने घर निकल रहे हैं, हम भी अपने घर निकल जाते हैं भाई। हाँ अनुप भाई पहले आप निकाल लो, इधर से घुमा लेते हैं, हमारे गार्ड भैया इधर हैं हमारी गाड़ियों की रक्षा करने। ऑफिस बंद हो चुका है और आज का दिन कैसा बीता, मज़ा आ गया। भाई बहुत दिन बाद ट्रिप करके जब ऑफिस आते हो ना तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना करने को, इतनी सारी कि फिर आपका दिन कैसा निकलता है ना, खाने का टाइम ना पीने का टाइम, बस शाम के टाइम में हमने थोड़ा टाइम निकाला और ये पॉडकास्ट जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था वो शूट कर लिया। भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से घर, वैसे आज ज़्यादा हमने शूट किया नहीं, एक दो दिन में अपने निकलने का प्लान है तो देखते हैं एक दो दिन में कहाँ निकलते हैं, आपको पता चल ही जाएगा भाई। लेकिन एक चीज़ प्रॉमिस है कि इस गाड़ी से ट्रिप नहीं रुकेगी, ट्रिप होती रहेगी और ट्रिप में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं, तो कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं, देखते हैं आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। बाकी जी अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।